भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों पर सीमा पर हमले होते हैं। एम शेखावत हुसैन का ये बयान उस वक्त आया है जब बांग्लादेश लगातार हिंसा की आग में जल रहा है, सुलग रहा है, हालात सामान्य हो नहीं रहे। ऐसे में बीजेपी को फ्लैग मीटिंग के लिए विवश किया जाता है, ये भी उन्होंने कहा। कहा कि बीजेपी पीठ दिखाकर ना भागे। एम शेखावत हुसैन की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। वो कह रहे हैं हमारे क्षेत्र में घुसते हैं और हमला करते हैं। बीजीबी का मतलब है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। ऐसे में सीधे तौर पर बड़ा इल्जाम भी लगा दिया गया। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार जो इस वक्त बड़ा बयान दे रहे हैं, सलाहकार एम शेखावत हुसैन ने भड़काऊ बयान दिया है। बिना नाम लिए भारत पर निशाना साधा उन्होंने। वो कह रहे हैं कि एम शेखावत हुसैन अपने भड़काऊ बयान में बिना नाम लिए भारत पर निशाना साधते हुए एक बयान में कहा कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के सीमा से पीछे हटने के दिन लद गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों पर सीमा पर हमले होते हैं और बीजीबी का फ्लैग मीटिंग के लिए उसे विवश किया जाता है। मैंने बीजीबी को कड़े निर्देश दिए हैं कि वो पीठ दिखाकर ना भागे। उन्होंने ये बात मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय के बीजीबी अस्पताल में इलाज करा रहे बीजीबी सदस्यों से मिलने के बाद पत्रकारों से कही। गृह मंत्रालय के सलाहकार ने कहा कि सीमा पर हमारे लोगों पर हमला किया जाता है और बीजीबी को फ्लैग मीटिंग के लिए मजबूर किया जाता है। वो हमारे क्षेत्र में घुसते हैं, हमला करते हैं और फिर फ्लैग मीटिंग के बाद दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। वो कहते हैं कि मैंने बीजीबी से कहा है कि वो अपनी बात से मुंह ना मोड़े, बहुत हो गया, अब और नहीं। उन्होंने आगे कहा कि बीजीबी जैसी ताकत को एक राक्षसी ताकत में बदल दिया गया है। ना केवल बीजीबी बल्कि पुलिस, आरएबी और असार को भी राक्षस में घातक बना दिया गया है। हालांकि ये निजी ताकतें नहीं है, वो राष्ट्रीय ताकतें हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ ये सुनिश्चित करूंगा कि न्याय बरकरार रहे।